हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और मैं हूं आपका गेम टेक ब्रो। और रात के इस समय 12 बज रहे हैं और हम आपके लिए एक नया वीडियो शूट कर रहे हैं। और इसके अंदर हम देखने जा रहे हैं कि हम काउंटर स्ट्राइक कंडीशन जीरो किस तरीके से खेलने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको उम्मीद है इस वीडियो से कुछ ज़्यादा ही मदद मिले। तो 1 2 3 लेट्स लॉग ऑन। दोस्तों, मुझे पता है काफ़ी बकवास कमेंट्री थी ये, बट आपको ये सब सहन करना पड़ेगा क्योंकि मेरे दोस्त भी हैं मेरे साथ। तो मैं एक नया प्रोफाइल बना रहा हूँ गेम टेक ब्रो के नाम से। ओके, इजी मिशन से खेलते हैं फ़िलहाल में। तो ये हमारे कुछ लोकेशंस हैं, हम इतने लोकेशंस में खेलने वाले हैं। आप देख सकते हैं अच्छे से, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो आज हमारा टूर ऑफ ड्यूटी 1 है। पहले सबसे पहले हमको डस्ट खेलना होगा। दोस्तों, इसमें हम 3 एनिमीज़ को फेस करने वाले हैं, इनके नाम और एक हर एक लोकेशन का अपना एक चैलेंज होता है। तो इसका चैलेंज है कि हमको एक एनिमी को कैसे भी मारना है। तो दोस्तों, अब हम चालू करते हैं। सबसे पहले हमको अपनी टीम असेंबल करनी होगी, तो मैं करने जा रहा हूँ। इसमें से जो भी प्लेयर्स को आप सेलेक्ट करें उनका कॉपरेशन मतलब अच्छा हो, ऐसे प्लेयर्स को लेना चाहिए। जैसे कैनी को लेता हूँ मैं हमेशा, और मॉरिस को। वैसे आप चाहें तो कूपर को भी ले सकते हैं क्योंकि इसका कॉपरेशन काफ़ी अच्छा है। चलिए, मैं कूपर को ही लेता हूँ। चलिए दोस्तों, ये 2 पॉइंट से तो हमने 2 प्लेयर खरीद लिए। अब इसके बाद हम मैच स्टार्ट करते हैं। बस 2 मिनट में गेम स्टार्ट हो रहा है। हाँ, तो दोस्तों, गेम स्टार्ट करने के सबसे पहले जो आपको की दबाना है वो है F1। इससे आपके वेपन्स ऑटो बाई हो जाएंगे जो भी आपको इस मिशन में काम आने वाले हैं। आप साइलेंसर लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, हटाना चाहे तो हटा सकते हैं। मैं साइलेंसर लगा के खेलना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि इससे गन ज़्यादा हिलती नहीं है। देखिए, जब आप अपना मिशन पार कर लेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार की आवाज़ सुनाई देगी जो अभी थोड़ी देर पहले सुनाई दी थी। मैदान में अभी नए हैं, एक को मार गिराया, कोई बात नहीं। बढ़िया, कोई दुश्मन मिल तो नहीं रहा। देखते हैं, फिर भी संभल के खेलना होगा दोस्तों। यहाँ पे शायद मिल जाए कोई। वैसे सिर्फ 3 ही एनिमीज़ हैं। हाँ, मैं देख सकता हूँ कितने एनिमीज़ हमने मारे हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम 2 एनिमी को मार चुके हैं और अभी एक एनिमी बाकी है, सिर्फ क्रैक पॉट, जिसको मैं टूटा हुआ मटका। दोस्तों, कुछ इस प्रकार, देखते हैं कहाँ है वो। बॉम्ब प्लांट हो चुका है बॉम्ब साइड ए पे। मैं उसकी तरफ बढ़ रहा हूँ और ये रहे हमारे फूटे हुए मटके। दोस्तों, आपको इस बॉम्ब के एकदम पास जाना है और ई प्रेस करना है। तब तक प्रेस करके रखें जब तक बॉम्ब डिफ्यूज़ ना हो जाए। और ये हमने बॉम्ब डिफ्यूज़ कर दिया। अगर आपको जीतना है तो फिर 3-0 से आपको हराना होगा, तभी जाके आप जीत सकते हैं। मतलब ये लोकेशन फिर सिक्योर हो जाएगा। तो अभी मैं 1-0 पे चल रहा हूँ, देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे इस ये जो गन है उसका नाम है कार्बाइन क्लेरियन मार्वरिक। 30 राउंड फायर करती है ये गन। इसको 3 बार फुली लोड कर सकते हैं आप। काफ़ी अच्छी ये अकेली गन है जो साइलेंसर के साथ आती है इस गेम में। मुझे मेरी फेवरेट गन। ओहो, AK-47 है ये। आपको गन लेना है तो आपको जी प्रेस करना है। ये मैंने ले लिया। जो काम मावरिक का काउंटर टेररिस्ट फोर्स में है वही सेम काम करती है AK-47 टेररिस्ट फोर्स में। ये भी काफ़ी अच्छी गन है। मैं आपको एक बार इससे खेल के दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से खेलते हैं हम AK-47 से। इस गेम की एक ही खास बात, मतलब काफ़ी सारी खास बातें हैं, पर मुझे जो सबसे अच्छी लगती है कि
इसमें जो गन्स हैं वो काफ़ी रियल दिखती हैं। अच्छे से आपको ऐसा लगता है कि आप सही में एक रियल गन चला रहे हो। इसके लिए ये गेम मुझे काफ़ी पसंद है। बिल्कुल। लगता है यहाँ कोई नहीं मिलने वाला, तो हमको यहाँ जाना चाहिए। आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी काम की गन है ये। और ये मैंने सिक्योर कर लिया डस्ट। ये तो पहला था, देखते हैं अब आगे क्या होता है। दोस्तों ये है ऑफिस, इसमें आपके चैलेंजेस आप देख लीजिए। इसमें आप चार एनिमीज़ को फेस करने वाले हैं, और हाँ आपको एक एनिमी को मारना है सब मशीन गन से, ये भी काफ़ी अच्छी गन है। और एक हॉस्टेज को रेस्क्यू कराना है। इस गेम को जीतने के लिए आपको चार हॉस्टेजेस रहते हैं पूरे गेम में, या तो उन चारों को रेस्क्यू करा लो या फिर सारे एनिमीज़ को मार दो। मैं नॉर्मली सारे एनिमीज़ को मारना प्रेफर करता हूँ क्योंकि काफ़ी मज़ा आता है। हाँ आपको एक और पॉइंट मिले हैं, तो इनमें से आप एक और अपने साथ रख सकते हैं, पर मैं इसमें एक और निकाल दूंगा। दोस्तों अगर आपको ऑटो बाय नहीं करना है तो आप अपने हिसाब से इन गन्स में से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास है पिस्टल, शॉट गन्स, स्मॉल मशीन गन्स, राइफल्स और बहुत कुछ। ये देखिए इतने तरह के पिस्टल्स हैं, ये काफ़ी डेंजरस पिस्टल है, मेरी फेवरेट नाइट हॉक। कुछ लोग इसे डेजर्ट ईगल भी कहते हैं। आपको चला के ज़रूर बताऊंगा मैं, आप चिंता मत कीजिए। तो यहाँ पे अभी हम पहुँच चुके हैं, शायद कोई मिला नहीं यहाँ। काफ़ी अच्छी अच्छी गोली दागी मैंने, क्या कहते मैदान हो? में अभी नए हैं, दो को मार गिराया, कोई बात नहीं, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। चलोगे हमारे साथ? अरे बुढ़ाओ बोलो, सठिया गए हो का? हाँ हाँ चलो, अब आए हैं तो तुमको रेस्क्यू तो ज़रूर कराएंगे दोस्तों। और बाकी के दो हॉस्टेजेस आपको यहाँ मिलेंगे कुछ इस प्रकार। वैसे हॉस्टेजेस को रेस्क्यू कराने के और भी फायदे होते हैं, आपको पैसे भी मिलते हैं उनको रेस्क्यू कराने के लिए। हॉस्टेजेस को ध्यान से लेके जाएं दोस्तों, क्योंकि काफ़ी भटके हुए लोग होते हैं ये लोग, कहीं भी भटक जाते हैं और आपके साथ नहीं आते हैं। इसके लिए हॉस्टेजेस का ध्यान रखें। हाँ हॉस्टेजेस का ध्यान रखते रखते आप खुद को ना भूल जाए, नहीं तो दुश्मन की गोलियों गोलियाँ खानी पड़ेंगी आपको। देखिए आग बबूला हो रहे हैं हमारे बंदूक, जोर से बोलो कोई भाई। बात नहीं, अच्छा है, अच्छा है। ये देखिए काफ़ी डिज़ाइनर है ना चाकू। दोस्तों आपको इस गन से खेल के बताता हूँ वैसे उस चाकू का नाम था रामपुरी। बंदूक कहाँ जा रहे हो? दोस्तों आपको संभल के खेलना होगा कि दुश्मन कहीं भी छुपा बैठा हो सकता है। ओहो पीछे सवार किया है उसने। पीठ पे वार करने वाले दुश्मन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये हुई ना कोई बात? दोस्तों देखते हैं, अगर ये दुश्मन मिल जाए तो फिर काफ़ी जल्दी ये गेम ख़त्म हो जाएगा।
देखते हैं कहाँ है वो। नहीं तो फिर आप हॉस्टेजेस को भी रेस्क्यू करा सकते हैं, उससे आप काफी आसानी से जीत जाएंगे। भगवान की कृपा से दौलत है, शहरत है, अच्छा है, अच्छा है। वो यहाँ पे मार के एक जन को सुला दिया गया, हमारा ही साथी था, मतलब दुश्मन कहीं आसपास ही है। किसी के चलने की आवाज़ आ रही है दोस्तों मुझे। लगता है किसी का घड़ी बगा है। ओह शिट्स दोस्तों, हॉस्टेज जिसको इंजर्ड ना करें, नहीं तो फिर ये मुझसे गलती से हुआ था, सॉरी। काफी पैसे कट चुके हमारे, $16,000 थे हमारे पास, कट के $14,640 हो चुके हैं। अब तो इनको रेस्क्यू कराना ही होगा। हमारे डूबे हुए पैसे फिर से आ चुके हैं और हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे चैलेंज जिस हमने कितने बखूबी निभाए हैं। अब दोस्तों ये खाली ये मैच जीतना है मुझे, उसके बाद आराम से ये सिक्योर हो जाएगा। दोस्तों आप भी ध्यान रखिए, आपको भी सावधानी से अच्छे से खेलना है। दोस्तों सबसे मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहता हूँ कि कभी भी आप गोलियाँ चलाएं तो अंधाधुंध ना चलाएं, और लगातार गोलियाँ ना चलाएं, रुक रुक के चलाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप मार पाएंगे दुश्मनों को, कुछ इस प्रकार देख सकते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि हम अगर अंधाधुंध चलाते हैं लगातार गोलियां, तो हमारा जो एम है वो बड़ा हो जाता है और निशाने पे कभी भी गोलियां लगती नहीं है, गोलियां निकल के दूर दूर उछलती हैं हमारे टारगेट से। दोस्तों ये दो तो आप काफ़ी आसानी से पार कर लेंगे, मेन प्रॉब्लम है इस मिशन का, काफ़ी ख़तरनाक मिशन है ये आपको रुला भी सकता है। इसके लिए इसको ध्यान से देखें कि मैं किस तरह से खेल रहा हूँ। इसका नाम है प्रोडिगी। इसके अंदर मैं प्रिफर करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा साथी अपने साथ रखूँ, क्योंकि हारने के चांसेस बहुत होते हैं, इसके लिए कुछ अच्छे साथियों को रखना होगा। हाँ आप साथियों को अपने गन के बेस पे भी रख सकते हैं, जैसे इनके पास सब मशीन गन है तो एक थोड़े कारगर साबित हो सकते हैं। और कैनी को तो हमेशा अपने साथ ही रखें, बहुत ही काम का आदमी है ये, भले इसकी शॉटगन से खेलता हो पर है बंदे में दम, क्या कहते हो? जी फक्त बाजीराव सिंघम। सेकेंड टाइम वो लेना ना भूलें। ओहो मैग्नम स्नाइपर राइफल, ये इस गेम की सबसे खतरनाक गन है, एक गोली में दुश्मन का काम तमाम, अभी आपको थोड़ी देर में देखने मिलेगा। तो लगता है आगे जाना होगा। बैठ गया, चुप के बैठा। सही जगह निशाने लगाया भाई, मानना पड़ेगा, कुछ करने के काबिल नहीं रहे। दोस्तों थोड़ा जब आप मैग्नम से खेल रहे हैं तो थोड़ा अंधाधुंध गोलियां ना चलाएं, क्योंकि एक गोली मारने के बाद रीलोड करना पड़ता है, इसके लिए थोड़ा अच्छे से खेलें। कहीं से गोलियों की आवाज़ आ रही है, मुझे लगता है जल्दी पहुंचना होगा वहाँ। यहाँ पे हमारा एक साथी मरा पड़ा है। ओहो सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा गुमराह हो गया था।
दोस्तों मैं ओहो बॉम्ब प्लांट हो चुका है, मतलब सारे दुश्मन आपको अब यहीं मिलने वाले हैं। ओह शिट्स, बहुत बड़ा धोखा हुआ है हमारे साथ दोस्तों। बॉम्ब साइट ए पे बॉम्ब प्लांट किया गया है। दोस्तों जब तक बॉम्ब प्लांट ना हुआ हो तब तक तो ठीक है, पर जब बॉम्ब प्लांट हो जाता है उसके बाद जीतने में काफ़ी तकलीफ़ें आती हैं। वैसे शायद आप सुन सकते हैं बॉम्ब की आवाज़। जी नहीं, बॉम्ब के धकधकाने की आवाज। जी हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। धक 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 ओह शिट, धक 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 धक। ओहो दोस्तों मैं गुमराह हो चुका था। ओहो टेररिस्ट जीत चुके हैं, बॉम्ब फूट चुका है। कोई बात नहीं, इसके लिए कहता हूँ बुराई दोस्तों चाहे लाख गुना चाहे। कि इस लोकेशन को अच्छे से खेलना होगा, वरना हमेशा हारते रहेंगे। मुद्दे लाख गुना चाहे तो क्या होता है, वही देखिए होता है जो दोस्तों, मुजरम खुदा होता है। मुझे हारने का काफ़ी अच्छा तोहफा मिला, अब मैं सिर्फ अपने साथ एक पिस्टल रख सकता हूँ। अब पिस्टल लेकर यहाँ खड़े रहना खतरे से खाली नहीं है, इसके लिए कहीं और चलना चाहिए। ओहो, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। दोस्तों अब ये राउंड भगवान भरोसे हो चुका है, पर क्योंकि हम ही थे इन लोगों के गुरु और सब कुछ। याद रखिएगा दोस्तों, हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। मोरिस हमारा काफी काम का बंदा है, देखते हैं ये क्या कर सकता है। ओहो, मॉरिस भी कुछ ना कर पाया और टेररिस्ट आखिरकार जीत गए। दोस्तों हम दो बुराई राउंड कितना भी कुछ कर ले, दोस्तों अंत हम में दो जीत राउंड हार चुके चाहिए। हैं। अगर एक राउंड और हारा तो ये लोकेशन गया हमारे हाथ से। इसके लिए मुझे अपनी पूरी ताकत से खेलना होगा। वो कोई ये बात गन मिल नहीं, गई, बस अब दिखाता हूँ टेररिस्ट को। कोई बात नहीं बेटा, बाबा बनछोड़ दास ने कहा था अंत में जीत अच्छाई की ही होती है। काफ़ी बुरी चीज़ हुई मेरे साथ, इन्होंने दो बम एक साथ फोड़े और मैं उसी के अंदर शहीद हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमारे साथी भी इतने भी ये नहीं है। देखो इतने भी गैर गुजरे साथी नहीं है हमारे बॉम्ब के पास आके खड़े हो चुके हैं। दोस्तों सिर्फ एक ही आदमी बाकी है और मेरे ख्याल से ओहो, ये गन, मुझे ये गन भी काफ़ी पसंद है, देख सकते हैं। इसका नाम है कमांडर, बहुत ही अच्छी गन है ये। ये एक गन साथ हमें AK-47 थर्टी तक फाइव पहुंचा राउंड था ये आंसर। अकेली गन है इस गेम में जो 35 राउंड फायर करती है एक साथ, बहुत ही अच्छी गन है। दोस्तों 2-1 हो चुका है, अब हमें 5-2 से जीतना होगा, मतलब हमें दो मैच और खेलने होंगे और लगातार जीत हासिल करनी होगी। कौन से होल में फायर करना है भाई, कहाँ है होल दिखाओ। हाँ दोस्तों आसान नहीं है इस लोकेशन को पार करना। ओहो काफी शिद्दत से खेला जा रहा है। देखिए दोस्तों इन लोगों का गेम प्लान कैसा है, लेकिन ओहो हमारे साथी भी कुछ कम नहीं है। मुझे लगता है हमें सरेंडर करना चाहिए, इतना निकाल देना, पहले से बना रहा हूँ। दोस्तों ये है तीसरा लोकेशन, इसको आपको एक स्नाइपर राइफल से खेलना है, 5 दुश्मनों का सामना करना है आपको। इस लोकेशन को खेलना बहुत ही हार्ड है, नॉर्मली सारे लोकेशन में से मैं इसको थोड़ा हार्ड मानता हूँ, क्योंकि इसमें बॉम्ब साइट्स काफ़ी दूर हैं और आपको पहली बार मैग्नम स्नाइपर राइफल चलाने मिलेगी, तो थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा, पर अगर आप इसे अच्छे से खेल पाते हैं तो मतलब आप गेम काफ़ी अच्छे से समझ चुके हैं और अब खेल सकते हैं अच्छे से। तो देख मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से इसको पार
पार करना है अच्छे से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये हमने चार साथी अपने सेलेक्ट कर लिए हैं। मेरे ख्याल से इसकी जगह वन को रखना ज़्यादा अच्छा होगा। तो दोस्तों देखते हैं किस तरह से होता है ये सब। ये है नाइट हॉक और ये है मैग्नम स्नाइपर राइफल, इस गेम की सबसे पावरफुल गन। मुझे तो बहुत पसंद है, अब आपको पसंद आए ना आए वो मैं कुछ कह नहीं सकता। आपके जल अभी इसके जलवे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ अभी तक कोई पहुंचा नहीं। देखते हैं जहाँ कोई नहीं पहुंचता वहां हम पहुंचते हैं। हाय, ओह, बॉम्ब साइट बी पे बॉम्ब प्लांट हो चुका था। ओह, हमारे साथी काफी काम आए। देखते हैं अब आगे किसका किसका सामना करना है। बोल तो रहा है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है पर मुझे यकीन नहीं होता इसकी बातों पे। हाँ बेह कर रहा हूँ। ये लीजिए दोस्तों, बॉम्ब डिफ्यूज हो गया, जमीन में गाड़ चुके हैं बॉम्ब को। दोस्तों एक बार बॉम्ब डिफ्यूज हो गया उसके बाद तो आपके हारने के कोई चांस ही नहीं है। दोस्तों अगर आप अभी चाहें तो नई गन ले सकते हैं पर मुझे तो यही गन काफ़ी पसंद है तो इसके लिए मैं तो इसी से खेलूँगा। हाँ एक ना एक बंदा जरूर आता है आतंकवादियों को। लगता है रब्बा रूठ गया मुझसे, इसके लिए यहाँ कोई आया नहीं। लगता है टेरिस ने कुछ अलग प्लान किया इस बार, इसके लिए उन्होंने यहाँ हमला नहीं किया। देखते हैं वो कहाँ हमला करने वाले हैं। साथ है। अरे साथियों पीछे जरूर आना तुम, मेरे मत छोड़ देना हमें। ओहो बी पे उन्होंने बॉम्ब प्लांट कर भी दिया है। दोस्तों बहुत ही खतरनाक होने वाला है ये गेम, इन सीन्स को अगर मिस करेंगे तो बहुत पछताएंगे आप, क्योंकि गेम का असली मजा मैं आपको दिलाने वाला। अरे हट जाओ, वो देखिए वो केजुआ भागा है ऊपर। वाह यहाँ पे एक जन खड़ा है और बोलता है कि रेडी है डिफ्यूज करने के लिए ऐसे। हाँ भाई कर रहा हूँ। ये बॉम्ब हमने डिफ्यूज कर दिया है और ये टेररिस्ट कहाँ गया साला। तो इनका बाप भी रोक नहीं सकता मेरा ये राउंड जीत। ये देखिए मेरी कलाबाजियाँ। सर बाबा बंसोड़ दास ने कहा था अंत में जीत अच्छाई की ही हो गई। देखिए दोस्तों किस तरह से मरते हैं नाच नाच के दुश्मन इसकी एक गोली खाने के बाद। सही बात। इसके लिए ये सबसे पावरफुल गन है इस गेम की। ओहो गले में लगता है कुछ अटक गया था बेचारे के। ओहो लगता है यहाँ पे हमला हो चुका है। कर क्या रहा था बैठ के? बैठ के भजन कर रहा था। सॉरी किसी के भजन में विघ्न नहीं डालना चाहिए। ओहो हो एक्चुअली हवन कर रहा था, हवन में विघ्न नहीं डालना चाहिए। बी पे बॉम्ब प्लांट कर दिया इन लोगों ने, बेचारों की हिम्मत कितनी बढ़ गई है कि इतने एक अकेला बचा हुआ भी बॉम्ब प्लांट कर रहा है। लगता है उसे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। अच्छा बेटा ये देखिए किस तरह का टाइमर चलता है और किस तरह का ब्लिंकिंग होती है। जीरो जीरो का टाइमर है।
हाँ भाई कर रहा हूँ। काफी खतरनाक बॉम है, इसे स्नाइपर के अंदर से देख के करना पड़ेगा अभी तो। ये काफ़ी अच्छी गन है, आई मीन लोकेशन है। हाँ ये, हाँ तो ये टूर ऑफ ड्यूटी वन था दोस्तों। अगले एपिसोड में आपको दिखाऊंगा मैं टूर ऑफ ड्यूटी टू। सो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और किसी गेम को, गेम का आपको अगर चाहिए वीडियो तो फिर आप हम कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू, ये वीडियो यहीं तक था। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।